हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी जैन के चैनल पर। आज मैं आपको एकदम न्यू डिश बताऊंगी। जी हाँ, छोला अचारी पुलाव। जी हाँ, आपने वाओ, आलू पुलाव, मटर पुलाव बहुत सुना होगा, लेकिन ये डिश आपने कभी नहीं सुनी। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो शुरू करते हैं छोला अचारी पुलाव की रेसिपी। हाँ तो दोस्तों, आज हम छोला पुलाव बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप छोले को भिगो कर रखा था, लगभग 7 से 8 घंटे भिगोए। उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, लगभग 3 सीटी ले ली है। इसी साथ मैंने यहाँ पर 1 कैप्सिकम लिया है, उसे हमने चॉप कर लिया है। 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसे भी कट कर लिया है। थोड़े से करी लीव्स, 2 गीली लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी सौंफ लिए 1/2 टीस्पून, हरा धनिया और थोड़े सूखे मसाले लिए हैं। मैंने यहाँ 2 तेज़पत्ते लिए हैं। इसी के साथ में दालचीनी की 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 लवंग और लगभग 2-3 काली मिर्च ली है, और 1 टीस्पून हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। और पुलाव के लिए मैंने लगभग 20 मिनट तक के चावल भिगो के रखे। आप कोई भी नॉर्मल चावल ले सकते हो। किसी को लगता है कि पुलाव बनाने में बासमती चावल ही चाहिए, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है। हम नॉर्मल चावल से ही ये पुलाव बनाएंगे। मैंने यहाँ 1 कढ़ाई गर्म करने रखी, इसमें मैंने लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल अच्छा से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून राई डालूंगी। जीरा और राई अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही राई जीरा चटक जाता है, सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे शिमला मिर्च। इसी के साथ में करी लीव्स, हरी मिर्च अदरक की पेस्ट, लाल मिर्च और खड़े मसाले भी डाल लेंगे और सौंफ भी डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमने चावल में से पानी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, प्याज भी अच्छा ब्राउन हो चुका है। हमने जो छोले बॉईल करके रखे, ये छोले हम इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे छोलों को। हमारे छोले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल में से पानी निकाल के डालना है। हमने चावल इसमें डाल लिए। अब इसमें अच्छे से चावल को सेक लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक के अच्छा सेकना है चावल को। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसे सेक रहे हैं। बढ़िया इसमें चावल की खुशबू आ रही है और मसालों की भी। जैसे जैसे मसाले भुने जा रहे हैं, वैसे वैसे इसमें बढ़िया खुशबू आ रही है। दोस्तों, आज छोला पुलाव में मैं एक सीक्रेट बताऊंगी, वो आप ध्यान से देखिए। इस रेसिपी के बीच में ही मैं आपको बताऊंगी। अब हम इसमें ड्राई मसाले मिक्स करेंगे। इसके लिए मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, राइस को अच्छा सेकने से इसमें शाइन बढ़िया आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शाइन आया है। अब हम बाकी मसाले भी मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे लगभग 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा ले सकते हो। इसी के साथ में 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी और 2 टीस्पून फुल लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा डाल सकते हो। यदि आप फीका खाते हो तो कम डालें और तीखा खाते हो तो ज़्यादा डालें। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल चीज़। जी हाँ, मैंने आपको बताई थी कि मैं एक स्पेशल चीज़ डालूंगी। इसमें हम डालेंगे केरी का अचार, तीखा वाला अचार। जी हाँ दोस्तों, आज हम अचारी पुलाव बनाएंगे। अचार डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। दोस्तों, आज तक आपने आलू पुलाव, मटर पुलाव सुना होगा, लेकिन छोला अचारी पुलाव आज पहली बार सुना होगा। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी के साथ हम इसमें 1 चुटकी
हींग डालेंगे 1/8 स्पून और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया सेक लेंगे इसे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ऐसे कलर आ रहा है। जितने हमने चावल लिए थे उससे 2 गुना हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ 2 कप चावल लिए हैं तो मैं यहाँ 4 कप पानी डालूँगी और आप अपने चावल को जितना पानी लगे उस हिसाब से डाल सकते हो। किसी के चावल में कम पानी ज़्यादा पानी लगता है तो वो हिसाब से आप डालें। दोस्तों मैंने यहाँ 2 कप पानी लिया है, पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चावल पकने तक हम इस पर एक ढक्कन रख देंगे। लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे चावल पकने में। आप चावल का दाना दबा के देखें तो आपको समझ आएंगे चावल पके या नहीं पके। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ रहा है। और दोस्तों आप इस पानी को भी टेस्ट करके देख सकते हो, इसमें नमक यदि आपको कम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा डाल सकते हो, कम लगा तो डाल सकते हो। यदि ज़्यादा हुआ हो तो इसमें आप नींबू निचोड़ के डाल सकते हो या फिर इमली डाल सकते हो, जिससे कि नमक की टेस्ट थोड़ी कम हो जाए। अब हम इस पर ढक्कन रख के लगभग 15 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में देखते रहिए कहीं पानी यदि सूख ना जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पुलाव बहुत बढ़िया बन चुका है। छोला पुलाव कितना बढ़िया कलर आया इसे आप देख सकते हो, वाओ। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा छोला अचारी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल न्यू डिश है, खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब लगता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।